हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं एसक्यूएल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फिक्स्ड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। फिक्स्ड फंक्शन बेसिकली राउंड फंक्शन की तरह वर्क करता है, बट इसमें थोड़े से एडवांस फीचर होते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड फंक्शन नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी नंबर्स की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। राउंड कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम फिक्स्ड फंक्शन का यूज करते हैं और अब ये बोल रहा है नंबर्स नंबर्स यानी उन नंबर्स को सेलेक्ट करना है जिसको हमें राउंड करना है। तो यहाँ पे हमने नंबर का रेफरेंस दिया और उसके बाद डेसिमल, कितने डेसिमल चाहिए, अगर चाहिए तो कितने चाहिए और नहीं चाहिए तो उसके लिए दो, या डेसिमल से पीछे भी अगर हमें वर्क करना है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जीरो यूज करते हैं कि हमें डेसिमल नहीं चाहिए, और इसके बाद बोल रहा है कि क्या हमें कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें कॉमा नहीं चाहिए तो उसके लिए हम ट्रू यूज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद कंट्रोल एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह से कॉमा हट जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे, आप देखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके, यहाँ पे अगर कॉमा यूज करना भी चाहता हूं तो भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नंबर्स टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा अगर मुझे डेसिमल से पहले की वैल्यूज को राउंड करना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिक्स्ड के अंदर आऊंगा और -1 या -2, आपको कितनी नंबर्स राउंड करने हैं, यानी राउंड करने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे वो इनकी जगह जीरो अपेयर करा देगा और जो उसके पास की होल वैल्यू होगी उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं -2 करता हूँ, ओके एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे हर जगह पे नंबर्स 00 में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि मैंने -2 किया है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा लाना चाहता हूँ तो उसको मैं क्या करूंगा, फॉल्स और एंटर। अब आप देखें कि हर जगह पे कॉमा आ जाता है। इस पे मैं कोई भी नंबर्स की फॉर्मेटिंग नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप इस पे कॉमा आप देना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब अगर आप इस कॉमा को भी यूज करेंगे तो आप कॉमा हटा भी नहीं पाएंगे, और अगर आप यहाँ पे डॉलर का साइन या कोई और करेंसी का साइन देना चाहते हैं तो वो भी नहीं दे पाएंगे आप। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले MIS की वीडियोज़ की अपडेट आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।